So students, after knowing the define of budget, objectives and basic partition, let's hit each part in detail. So we are going with the receipts and expenditure columns. हम receipt एक साथ देख लेंगे, expenditure एक साथ देखेंगे. तो budget receipt का जैसे मैंने definition आपको बताया था, RR plus CR. अगर हम revenue receipt और capital receipt को एक साथ पढ़ लें तो हम receipt section को पूरा पढ़ लेंगे और दोनों को combinedly budget receipt कहा जाएगा. So formula becomes BR equals RR plus CR. शुरुआत कर रहे हैं हम बेटा रेवेन्यू रिसिप्ट से. ऐसे रिसिप्ट गवर्नमेंट की देखिएगा, गवर्नमेंट को कहीं से मनी रिसीव हुआ. जस्ट एन एग्जांपल, मान लीजिए गवर्नमेंट ने लोन लिया, लोन टेकन बाय इंडियन गवर्नमेंट. अब अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये रेवेन्यू रिसिप्ट है, लेकिन एक तरीके की रिसिप्ट है. अब देखते हैं कि ये रेवेन्यू रिसिप्ट होगी या नहीं. सबसे पहले तो लोन टेकन बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के पास पैसा आया, दैट मीन्स गवर्नमेंट के पास पैसा आया तो रिसिप्ट हो गई. अब ये रेवेन्यू रिसिप्ट है या नहीं, तो रेवेन्यू रिसिप्ट के लिए दोनों में से कोई एक शर्त होनी चाहिए. ना तो विच डू नॉट डिक्रीजेज द एसेट ऑफ गवर्नमेंट एंड विच डू नॉट क्रिएट ए लाइबिलिटी ऑन द गवर्नमेंट. देखिएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट उसको मानते हैं एक ऐसी रिसिप्ट, गवर्नमेंट को कहीं से मनी रिसीव हुआ, लेकिन मनी रिसीव होने के बाद गवर्नमेंट की किसी एसेट में कोई रिडक्शन नहीं हुआ और गवर्नमेंट के ऊपर कोई नई लाइबिलिटी नहीं बनी. अब देखिएगा, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ लोन टेकन बाय गवर्नमेंट, जैसे ही गवर्नमेंट लोन लेगी तो गवर्नमेंट के ऊपर लाइबिलिटी जनरेट हो जाएगी. दैट मीन्स ये जो लोन टेकन बाय गवर्नमेंट है ये रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है बेटा, ये कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट बनेगा. और एग्जाम्पल देता हूँ, गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट किया. आप डिसइन्वेस्टमेंट क्लास 11th में पढ़ के आए हो. डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू गवर्नमेंट ने अपने शेयर्स बेच दिए और मनी जनरेट कर लिया. मनी जनरेट हो रहा है मतलब रिसिप्ट हुई. अब मनी जनरेट होते टाइम गवर्नमेंट के शेयर्स बिक गए, शेयर्स गोज डाउन. शेयर गोज डाउन का मतलब हो गया एसेट फॉल कर गई. और एसेट फॉल कर गई जबकि इसमें बोला था विच डू नॉट फॉल द एसेट, जबकि यहाँ तो एसेट फॉल हो गई गवर्नमेंट की, यानी ये कैपिटल रिसिप्ट में जाएगा. यानी हमारे पास जो भी आइटम आएगा ना बेटा, हम उसको थोड़ा सा इस तरीके से पहले तो ये देखेंगे कि वो रिसिप्ट या एक्सपेंडिचर का आइटम है. नंबर टू, उसके बाद ये देखेंगे कि उसका एसेट्स या लाइबिलिटी पे कोई असर हो रहा है या नहीं. अगर एसेट्स या लाइबिलिटी पे असर हो रहा है तो वो कैपिटल पार्ट में जाएगा बेटा, और अगर एसेट या लाइबिलिटी पे कोई असर नहीं हो रहा है तो रेवेन्यू में आएगा. तो देखिएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, एक ऐसी रिसिप्ट ऑफ गवर्नमेंट विच डू नॉट रिड्यूसेज द एसेट ऑफ गवर्नमेंट एंड विच डू नॉट क्रिएट्स और इंक्रीजेज द लाइबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट. अब देखिए, रेवेन्यू रिसिप्ट को शॉर्ट में लिखते हैं RR. इसके दो मेजर पार्ट बनते हैं, एक टैक्स रिसिप्ट, एक नॉन टैक्स रिसिप्ट. टैक्स रिसिप्ट का मतलब यह है कि वो किसी टैक्स के फॉर्म में गवर्नमेंट को रिसीव हुआ है, किसी टैक्स के फॉर्म में गवर्नमेंट को रिसीव हुआ है. टैक्सेस के नाम आप जानते हो, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, GST, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, ऐसा सब. तो इसमें टैक्सेस का पार्टीशन आएगा. और दूसरे होते हैं नॉन टैक्स रिसिप्ट, जो हम लेटर ऑन देखेंगे. अब देखिएगा, टैक्स रिसिप्ट क्या है. टैक्स का मतलब होता है कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट बाय हाउसहोल्ड, फर्म्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, ATC. हाउसहोल्ड भी टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स देना, वेल्थ टैक्स देना, प्रॉपर्टी टैक्स देना, एंड फर्म्स भी देती हैं, आपके प्रोड्यूसर्स भी देते हैं. जैसे जस्ट एन एग्जाम्पल, GST एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. एक्साइज, और पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत सारे चलते थे, बट अब उन सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को मिला के सिंगल टैक्स GST बना दिया गया है. तो ये सब टैक्स में आता है. अब देखिएगा, टैक्स को हम तीन तरीके से, तीन कैटेगरीज में डिवाइड करके पढ़ रहे हैं. एक होता है प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टैक्स. प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टैक्स का मतलब क्या होता है, प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टैक्स में अगर आपका टैक्स इस तरीके से चल रहा है जिसका मोर इम्पैक्ट ऑन रिच एंड लेस इम्पैक्ट ऑन पुअर है, मोर इम्पैक्ट ऑन रिच एंड लेस इम्पैक्ट ऑन पुअर है, तो इसका मतलब है वो प्रोग्रेसिव टैक्स है. जबकि रिग्रेसिव टैक्स इसका उल्टा होता है, यानी टैक्स का ज़्यादा इम्पैक्ट पुअर पे पड़े और लेस इम्पैक्ट रिच पे पड़े. फिर से बोल देता हूँ, अगर आपका टैक्स इस तरीके का है जिसका मोर इम्पैक्ट पुअर पे पड़ रहा है और लेस इम्पैक्ट रिच पे पड़ रहा है, तो वो रिग्रेसिव टैक्सिंग होगी. जबकि अगर मोर इम्पैक्ट ऑन रिच एंड लेस इम्पैक्ट ऑन पुअर है तो उसको हम प्रोग्रेसिव टैक्स बोलेंगे. इंडिया में जो टैक्स सिस्टम फॉलो किया जा रहा है वो प्रोग्रेसिव टैक्स है, जिसमें जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपके ऊपर टैक्स रेट बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे आपकी इनकम कम होती है वैसे वैसे आपका टैक्स रेट कम होता है. इसके लिए इनकम टैक्स स्लैब्स बहुत अच्छा एग्जाम्पल बन जाता है. अगर आप इनकम टैक्स स्लैब्स देखेंगे हमारे जो करंट ईयर के बन रहे हैं, तो 5 लाख तक की इनकम
टैक्स फ्री है, 5 से 7 लाख 50,000 पे शायद 10% टैक्सेस हैं और उसके ऊपर की इनकम पे 20 है। तो सीधी सी बात है कि जब आपकी इनकम लो लेवल पे होगी तो आपके ऊपर कम टैक्स लगेगा, और ज़्यादा लेवल पे जा रही है तो आपके अकॉर्डिंगली ज़्यादा टैक्स लग रहा है। रिग्रेसिव टैक्सिंग में होता क्या है, टैक्स रेट कॉमन बनी रहती है, तो कॉमन टैक्स रेट होने की वजह से अल्टीमेटली जो पुअर पर्सन होता है उसके ऊपर इम्पैक्ट ज़्यादा होता है और रिच पर्सन के ऊपर इम्पैक्ट कम होता है, जिसके एग्जाम्पल मैंने आपकी नोटबुक में शो किए हैं। इफ इन केस एनी डाउट और प्रॉब्लम प्लीज़ फील फ्री टू टॉक टू मी। दूसरा जो हम पढ़ते हैं वो है वैल्यू एडेड टैक्स और एक होता है स्पेसिफिक टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स बेटा हमेशा वैल्यू एडिशन पे लगता है, और वैल्यू एडिशन का फॉर्मूला हम जानते हैं, नेशनल इनकम के चैप्टर्स में हम पढ़ के आए हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। पहले ये वैट के नाम से जाना जाता था, VAT, और उसका ही शॉर्ट फॉर्म वैल्यू एडेड टैक्स था। अब ये कन्वर्ट हो गया है GST में, और मैं आपको बता दूं GST भी बेटा एक वैल्यू एडेड टैक्स ही है, जिसमें हर पर्सन जो प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व रहा है उसका पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस में कितना कंट्रीब्यूशन रहा है या वैल्यू एडिशन रहा है उसके ऊपर ये टैक्स लगता है। दूसरा होता है स्पेसिफिक टैक्स। स्पेसिफिक टैक्स का मतलब होता है किसी खास क्वांटिटी पे, किसी खास वेट पे, किसी खास वॉल्यूम पे जो टैक्स लगता है उसके ऊपर वो स्पेसिफिक टैक्स काउंट होता है। तीसरा मेजर पार्ट जो टैक्सेशन में हमें पढ़ना है, दैट इज कॉल्ड बेटा डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब ये है बेटा कि देखिएगा कि जब हम बात करते हैं टैक्स की, तो टैक्स की कैलकुलेशन दो तरीके से होती है। आपने डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है वो बताता हूँ। डायरेक्ट टैक्स इज चार्ज्ड एंड बॉर्न बाय या पेड बाय सेम पर्सन आउट ऑफ हिज पॉकेट। डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है कि जिस पर्सन के ऊपर चार्ज हुआ वही पर्सन अपनी पॉकेट से भी इसको पे करेगा। जैसे एग्जाम्पल देते हैं इनकम टैक्स का, एग्जाम्पल देखते हैं वेल्थ टैक्स का, एग्जाम्पल लेते हैं प्रॉपर्टी टैक्स का। अब देखिएगा मैं इनकम कमा रहा हूँ, मेरी इनकम पे लगने वाला जो टैक्स है वो मैं अपनी पॉकेट से ही भरूँगा, मेरी प्रॉपर्टी पे लगने वाला जो टैक्स है वो मैं अपनी पॉकेट से ही भरूँगा, मेरा जो वेल्थ टैक्स लगेगा वो मैं अपनी पॉकेट से ही भरूँगा, यानी मुझे पे चार्ज हुआ और मेरी पॉकेट से ही गया। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है दैट इज चार्ज्ड ऑन सम अदर पर्सन बट पेड आउट ऑफ सम अदर्स पॉकेट, यानी लगा किसी और के ऊपर और पे किसी और ने एक्चुअली किया फ्रॉम हिज पॉकेट। जैसे एग्जाम्पल GST। अब बेटा मैं आपको बताता हूँ GST क्या होता है। GST जो पे करना होता है वो प्रोड्यूसर्स को पे करना होता है, बट सोचिएगा प्रोड्यूसर अपनी जेब से वो टैक्स पे नहीं करते हैं, वो हमें जो प्रोडक्ट बेचते हैं MRP पे उसके अंदर लिखा होता है GST इंक्लूडेड, यानी MRP में उन्होंने टैक्स का अमाउंट शामिल करके हम लोगों से कंज्यूमर्स से टैक्स का अमाउंट लिया और फिर उस टैक्स के अमाउंट को आगे जाके गवर्नमेंट को पे कर दिया। देखिएगा पे किसको करना था, प्रोड्यूसर को, लेकिन उसने किसके ऊपर शिफ्ट कर दिया, कंज्यूमर के ऊपर, कंज्यूमर से लिया और अपने नाम से गवर्नमेंट को पे कर दिया। जबकि यहाँ पर लगा भी पर्सन पे ही था और उसी पर्सन ने अपने नाम से या अपनी पॉकेट से निकाल के गवर्नमेंट को दिया। दोनों में यही फ़र्क होता है। डायरेक्ट टैक्स में टैक्स जिसके ऊपर लग रहा है वही पर्सन अपनी पॉकेट से अपने मनी से टैक्स पे करता है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्स लगा प्रोड्यूसर पे, प्रोड्यूसर ने इसको कंज्यूमर पे शिफ्ट किया और कंज्यूमर से लेके फिर गवर्नमेंट को पे किया। ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स, और GST इसका अच्छा एग्जांपल है। पहले इसके और भी एग्जांपल हो सकते थे, सेल्स टैक्स, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी एंड ऑल, बट आजकल इन सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को मिला के एक GST टैक्स बना दिया गया है, जो इंडिया का एक बहुत मेजर टैक्स रिफॉर्म है। तो यहाँ आके हमारे टैक्स रिसिप्ट का सेक्शन कम्प्लीट होता है। इसके बाद होती है नॉन टैक्स रिसिप्ट, यानी इस बार भी गवर्नमेंट को रिसिप्ट होगी, पैसा मिलेगा। अगेन
गवर्नमेंट की कोई एसेट फॉल नहीं करेगी और गवर्नमेंट के ऊपर कोई नई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होगी, बट ये टैक्स के फॉर्म में नहीं होगा। यहाँ बोल के लिया जाएगा कि हम आपसे टैक्स ले रहे हैं, जबकि यहाँ पर जो होगा वो टैक्स नहीं है, वो कुछ और है। जैसे फीस, गवर्नमेंट टाइम टू टाइम बहुत सारे वर्क्स के लिए हमसे फीस लेती है, जैसे बर्थ रजिस्ट्रेशन फी, रजिस्ट्रेशन फीस, पासपोर्ट फीस। आप गवर्नमेंट से पासपोर्ट वगैरह बनाने गए, कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाने गए, रजिस्ट्री करवाने गए, तो उसके लिए गवर्नमेंट जो आपसे फ़ीस चार्ज करेगी वो सब फीस में आएगी, वो टैक्स नहीं है। आपका इसमें वर्क पड़ रहा है तो आपको ये पे करना पड़ेगा। जैसे मैं पासपोर्ट बनवाना चाहता हूँ तो मुझे फ़ीस पे करनी है, अदरवाइज मेरे को फीस पे नहीं करनी। दूसरे होते हैं फाइंस। अभी जैसे आप देख रहे हैं गवर्नमेंट आपको, अभी आप मास्क पहन के नहीं निकलो आपके ऊपर फ़ाइन लग जाएगा, अभी आप हेलमेट पहन के नहीं निकलो आपके ऊपर फ़ाइन लग जाएगा, ट्रैफिक रूल्स ब्रेक कर देते हो, ड्रिंक करके ड्राइव करते हो, जुआ खेलते हो या ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ करते हो तो फ़ाइन लग जाएगा। अब देखिएगा, ये जो फाइंस हैं ये गवर्नमेंट इसलिए नहीं कर रही है कि उसको इनकम जनरेट करनी है, नो, गवर्नमेंट इससे इनकम जनरेट नहीं करना चाहती है, बल्कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि यू स्टार्ट फॉलोइंग लॉ, आप लॉ का सम्मान करें, रिस्पेक्ट करें, उसको प्रॉपरली फॉलो करें। अब जैसे एक सीधी सी बात है, गवर्नमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप मर जाओ तो उससे गवर्नमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन गवर्नमेंट चाहती है कि आप इस कंट्री में पैदा हुए तो एक रिस्पेक्टफुल लाइफ जियो, इसीलिए वो आपके मास्क नहीं पहनने पे आपके ऊपर फाइन लगा रही है। बाकी गवर्नमेंट का तो अच्छा है, उसको कम ट्रबल्स फेस करनी पड़ेगी, लेकिन गवर्नमेंट नहीं चाहती कि आप ऐसे मरो, आप हेल्दी लाइफ स्टाइल जियो, और इसीलिए वो गवर्नमेंट आपको बाउंड कर रही है कि आप मास्क वगैरह फॉलो अप करो। और इसीलिए ध्यान रखिएगा, फाइंस का मेन जो इन होता है वो है फॉलोइंग द लॉ या ऑबेइंग द लॉ, नॉट मेकिंग एनी टाइप ऑफ इनकम फ्रॉम द गवर्नमेंट। नेक्स्ट होता है एसचीट। एसचीट इज इनकम अर्नड फ्रॉम ए प्रॉपर्टी without nominee or executor। देखिएगा, आप सब जानते हैं कि हमारी डेथ होती है तो हम अपने जायदाद संपत्ति प्रॉपर्टी वगैरह अपने फैमिली के नाम करके जाते हैं कि इसको मेरी विल में से या जायदाद में से इतना हिस्सा मिल जाना चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पर्सन बिना कुछ विल डिक्लेयर किए मर गया और उसके आगे पीछे कोई भी नहीं है, कोई पर्सन उसकी प्रॉपर्टी पर क्लेम करने भी नहीं आ रहा है, तो ऐसे टाइम पर उसकी प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट अपने पोजीशन में लेती है और फिर उस प्रॉपर्टी का यूज़ करके गवर्नमेंट जो पैसा कमाती है, चाहे रेंट के थ्रू या अदर किसी भी वे में, उसको एस्टेट बोल देते हैं। फिर से बोल देता हूँ, एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसका कोई नॉमिनी नहीं रहा, एग्जीक्यूटर नहीं रहा, क्लेमेंट नहीं रहा, तो गवर्नमेंट उसको अपने पोजीशन में लेगी और फिर उस प्रॉपर्टी के थ्रू गवर्नमेंट जो भी मनी अर्न करेगी वो मनी एस्टेट के नाम से जानी जाती है, और ये नॉन टैक्स रिसिप्ट में अकाउंट होती है, रेवेन्यू रिसिप्ट में अकाउंट होती है। नेक्स्ट इज स्पेशल असेसमेंट। स्पेशल असेसमेंट का मतलब होता है कि बाय चांस कभी आपकी प्रॉपर्टी की या आपके वेल्थ की वैल्यू सडनली राइज कर जाती है तो उस राइज में गवर्नमेंट कुछ आपसे फीस के तौर पे अमाउंट जज करेगी या चार्ज करेगी, दैट इज़ कॉल्ड स्पेशल असेसमेंट। जैसे जस्ट एन एग्जाम्पल, मान लीजिए आप किसी लोकेलिटी में रहते हैं और आपके लोकेलिटी के हिसाब से आपकी प्रॉपर्टी की कुछ वैल्यूएशन है, अब सडनली गवर्नमेंट वहाँ पे एक हाईवे निकालने का प्रोजेक्ट लॉन्च कर देती है, और जैसे ही गवर्नमेंट वहाँ पे हाईवे निकालने का प्रोजेक्ट लॉन्च कर देती है, रातों रात उस प्रॉपर्टी के और उस आसपास की जगह की कीमत बहुत बढ़ जाएगी, साथ में आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन भी बहुत बढ़ जाएगी। तो इस गवर्नमेंट की डिक्लेरेशन की वजह से, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट डिक्लेरेशन की वजह से आपकी प्रॉपर्टी में राइज हुआ, इस राइज में गवर्नमेंट डेवलपमेंटल एक्सपेंसेस के नाम से आपसे कुछ अमाउंट चार्ज करेगी, दैट इज़ कॉल्ड स्पेशल असेसमेंट। इसके कुछ पर्टिकुलर नॉर्म्स होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, कोई गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया हाईवे जैसा या कोई अदर इम्पैक्ट किया जिससे आपकी प्रॉपर्टी की राइज हुई सडन प्राइसेस, और फिर उसमें से कुछ गवर्नमेंट आपसे डेवलपमेंटल फी के नाम पर कुछ अमाउंट चार्ज करेगी, दैट इज़ कॉल्ड स्पेशल असेसमेंट। फिर आता है इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस। बेटा 11th क्लास में आप BST में ये सब पढ़ चुके हैं कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस कौन से होते हैं, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस, गवर्नमेंट कंपनीज। यहाँ से गवर्नमेंट को जितनी भी इनकम होती है वो सब नॉन टैक्स रिसिप्ट है और रेवेन्यू रिसिप्ट के पार्ट में काउंट होती है। ये सब आपने पिछले साल BST के 3rd चैप्टर में डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट इज इनकम फ्रॉम स्पेक्ट्रम्स। स्पेक्ट्रम्स क्या होते हैं, तो जैसे
स्पेसिफिकली हम बात करें तो मोबाइल टेक्नोलॉजी में अभी जैसे 4G चल रहा है, इससे पहले 3G भी था, उससे पहले 2G था, और अब 5G की बातें हो रही हैं। तो जब ये नई टेक्नोलॉजीज आती है, अभी जैसे 4G चल रहा है, तो अब जब नई 5G टेक्नोलॉजी आएगी तो गवर्नमेंट ऐसे ही कंपनीज को ओपन नहीं कर देगी कि आप अपने हिसाब से 5G दो। इसके लिए गवर्नमेंट स्पेक्ट्रम या लाइसेंस अलॉट करेगी। स्पेक्ट्रम एक तरीके का लाइसेंस है कि कंट्री में जो अपकमिंग मोबाइल सर्विसेज है या किसी भी टाइप के अदर सर्विसेज है वो कौन प्रोवाइड कराएगा, और उस लाइसेंस को अलॉट करने से पहले गवर्नमेंट एक लाइसेंस फ़ी लेती है और अदर डेवलपमेंटल फ़ी या सिक्योरिटी फ़ी लेती है। वो सारा अमाउंट इसमें काउंट होता है रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर, नॉन टैक्स रिसिप्ट के तौर पर। फिर आता है ग्रांट्स और डोनेशन। अब देखिएगा, गवर्नमेंट को कहीं से ग्रांट मिला, गवर्नमेंट को कहीं से डोनेशन मिला, गवर्नमेंट को UN से एड मिली, अदर कंट्रीज़ ने हेल्प किया, अभी आप PM रिलीफ फंड में आप और मैं डोनेशन कर दें, ये सब डोनेशन गवर्नमेंट के लिए किसी भी तरीके की लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करेगा। पैसा तो गवर्नमेंट के पास जा रहा है बट गवर्नमेंट के ऊपर कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होगी, तो ये भी नॉन टैक्स रिसिप्ट के तौर पर रेवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट बनेगा। सो हियर बेटा योर रेवेन्यू रिसिप्ट कॉलम कम्प्लीट। नाउ वी विल